पर्सनल क्वेश्चन है एक्चुअली. जैसे किसी ने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, लाइक जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, उसको मैं कैसे इग्नोर करूँ? उसको चीज़ को मैं पीछे छोड़ के आगे जाना भी चाहती हूँ बट वो नहीं हो पाता है. लाइक कभी फिर से याद आ जाता है, फिर डिप्रेस्ड हो जाती हूँ कि क्या हुआ लाइफ में मेरे साथ. तो वो चीज़ मैं कैसे निग्लेक्ट करूँ एंड उसको पीछे करके मेरे को आगे बढ़ना है, चाहती हूँ मैं बढ़ना बट वो पीछे कर देती है. मतलब मैं चाहती हूँ कि ठीक है अभी मुझे काम पे कंसंट्रेट करना है, तो जब तक मैं बिजी हूँ ठीक है, तो लोग 24 आवर्स तो नहीं रह सकते ना. मैं सोने भी जाती हूँ तो वो चीज़ें याद आती है और फिर नींद नहीं आती. हाँ, नींद नहीं आती है. प्लीज हैव अ सीट. इमोशनल पेन है, वो जाता नहीं है, वो बार बार रह रह करके जैसे ही याद आता है उसके साथ में जो भी कुछ हुआ था उस टाइम पे, जो आपने एक्सपीरियंस किया था, तो वो सारी फीलिंग्स, वो सारी सेंसेशंस, वो सारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं. फिर हमको ये नहीं पता है कि वहां से बाहर कैसे आना है. हमको पता है कि वहां से बाहर कैसे आना है. सर, उससे रिलेटेड फियर्स भी होने लगते हैं आगे फ्यूचर में. हाँ, उससे रिलेटेड फियर्स भी होने लग जाते हैं, रिग्रेट होने लग जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद ये नहीं होता, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं माइंड में. तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इनका जो प्रॉब्लम है वो सेम सबका प्रॉब्लम है. वो पास की जो चीज़ें वो हमें पीछे खींचती है. लेकिन मैंने थोड़ा ये किया कि मैंने सब भूल जाने की कोशिश की. भूल जाना है तो ये भी हुआ कि जो चीज़ भूल जाना है वो बोलते हैं वो ज़्यादा आती है. तो अभी वो हो रहा है कि भूल जाना है लेकिन वही याद आता है. जितना आप उसको भूलने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा याद आएगा. तो भूलना सोल्यूशन नहीं है क्या? भागना सोल्यूशन है. जगह चेंज करना, भागना मतलब जगह चेंज करना. आप कहीं भी जाओगे पहले ये समझो कि वो मेमोरी है कहां पर, अंदर है या बाहर है? अगर तो बाहर होती तो उससे पीछे छुड़ा सकते हो. आप कोई पर्सन है उससे पीछे छुड़ा सकते हो, उसको उल्टा सीधा बोलो, बोलते रहो वो भी गए जाता ना अपने आप ही एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है. उससे लड़ाई झगड़ा करो, उसको मारो पीटो, जो मर्जी करो, ये सब बाहर है. अंदर क्या करोगे? किसको मारोगे, किसको पीटोगे, कहां भागोगे? यहां से भाग करके आप कहीं चले भी गए, कहीं दूर भी चले गए, तब भी वो तो अंदर यहां पड़ी हुई है. और जितना भाग रहे हो वो अंदर ही अंदर और बढ़ती चली जा रही है. उसका डर आपके अंदर और बढ़ता चला जा रहा है, तभी तो भाग रहे हो. तो ये भी सोल्यूशन नहीं है. तो बचा क्या? फेस कौन कर रहा है? क्या आप उससे अलग हो? क्या वो जो मेमोरी आपके अंदर पड़ी हुई है, आपके अंदर जितनी भी मेमोरीज पड़ी हुई है, अगर वो सारी मेमोरीज में निकाल दूं तो आप हो क्या? आप कहते हो मैं डॉक्टर हूं, किस बेस पे? आपके अंदर मेडिकल फील्ड की नॉलेज पड़ी हुई है, अगर वो मेमोरी निकाल दो तो आपके नाम के आगे से डॉक्टर हट जाएगा. ऑल योर मेमोरीज पुट टुगेदर इज यू, जिसको भी आप अभी मैं बोलते हो. उसके अलावा और आपकी क्या रियलिटी है? अगर सारी मेमोरीज आपके अंदर से निकाल दी जाए, याददाश्त चली जाए, तो आप क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हो, लैंग्वेज तक की मेमोरी निकल जाए, आप कौन हो, तो आप देखते रहोगे बजर बट्टू की तरह कि ये क्या हो रहा है, ये कुछ अजीब सी आवाजें अंदर से आ रही है, समझ ही नहीं आएगा आपको, तो कोई जवाब भी नहीं दोगे, क्या सोचोगे उसके बाद में? तो यू आर योर मेमोरी, जिसको भी आप मैं बोल रहे हो, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट. ये बात जब हमको गहराई से समझ आ जाती है तो वहां पर कुछ करने को नहीं रह जाता है. एंड दिस स्ट्रगल ऑफ बींग फ्री फ्रॉम मेमोरी कम्स टू एन एंड. आप क्या चाहते हो? मेरे अंदर से सारी बुरी मेमोरीज निकल जाए, अच्छी पड़ी रहे. अच्छी भी छोड़ने के लिए क्या हम तैयार हैं? ना जी ना, अच्छी कैसे छोड़ दें? छोड़ने का कोई तरीका भी नहीं है. तैयार भी हो तो उससे भी क्या होगा? आप कहोगे हाँ मैं तैयार हूँ, निकालो जी क्या रास्ता है. नो वे जी. और मेमोरीज ही अगर आपके अंदर से निकल गई तो आप में और एक जानवर में फर्क क्या है? खाओगे पियोगे निकालोगे खत्म. सोच नहीं सकते, यू कांट थिंक विदाउट मेमोरी. सो दिस माइंड, वॉट एवर यू कॉल इट एज माइंड, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, इट इज ऑल कनेक्टेड टू मेमोरी. अगर तो मेरी वो मेमोरीज मुझसे अलग है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, तो मैं कुछ करूं. अगर वो मैं ही हूं, अब क्या करूं? यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता खुद से पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि मैं ही वो मेमोरीज हूं. ये बात जब आपको गहराई से समझ आ जाएगी तो ऑल योर एफर्ट कम्स टू एन एंड टू फाइट विद योर मेमोरी. लड़ोगे आप किससे? कोई दूसरा चाहिए ना लड़ने के लिए? लड़ने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक ही काफी है. जहां पर एक ही है वहां पर कैसे लड़ाई होगी? वहां पर डर कैसे होगा? अगर वो मेमोरीज मुझसे अलग हैं तो वो मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं, अगर वो मैं ही हूं तो मैं खुद का क्या बिगाड़ूंगा? पानी पानी को कैसे मारेगा? आई बात समझे? अगर मेरी बातें गहराई से कोई समझ पाए तो दिस एफर्ट
दिस स्ट्रगल इमीडिएटली कम्स टू एन एंड. मतलब अब वो मेमोरीज चाहे बुरी से बुरी है चाहे अच्छी से अच्छी है, रहे तो रहे ना रहे तो कोई बात नहीं. आंखों से आप जो भी कुछ देखते हो उसका आंखों के ऊपर क्या असर होता है. आंखों से आप एक टॉयलेट को देखते हो फिर एक मंदिर को देखते हो, क्या जब मंदिर को देखते हो तो आंखें प्योर हो जाती हैं? और टॉयलेट को देखते हो अपनी आंखों से तो क्या आंखें गंदी हो जाती हैं, इम्प्योर हो जाती हैं? ये बात हमको आई, पकड़ में आई? ये बातें हैं छोटी छोटी, बट अगर ये समझ में आ गई, क्योंकि अंदर की दुनिया में सिर्फ समझ ही सॉल्यूशन है. प्रॉब्लम क्या है, जो बाहर की दुनिया के पैंतरे हैं वो हम अंदर की दुनिया में लगाने की कोशिश करते हैं और हम फंस जाते हैं. बाहर की दुनिया के क्या पैंतरे हैं, कोई भी काम करना है एक्शन लो, ये करो वो करो वो करो वो करो वो करो, इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो, ये करो तो ये करके ये होगा, फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो. अंदर कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ समझ लेना है. जैसे भूत, अगर भूत एक्चुअल में है तो कुछ करना है. अगर भूत है तो भूत किसके लिए है, जो कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते कि भूत है या नहीं है, बस मान लिया है. मूवीज देखी, बचपन में सुनी कहानियां और मान लिया कि भूत है. तो जिसके लिए भूत है उसको भूत दिख भी सकता है, उसके ऊपर भूत चढ़ भी सकता है, उसको भूत से फ्री होना है, कई जगह पे जाके मत्था टेकना है, बहुत कुछ करना है. लेकिन अगर कोई सच को देख ले कि भूत है ही नहीं, उसको क्या करना है? तो दोनों में फर्क समझ आया, करना और अंडरस्टैंडिंग, विच इज नॉट डूइंग एनीथिंग, विच इज जस्ट सीइंग थिंग्स एज इट इज. मतलब आंखों का क्या काम है, सिर्फ दिखा देना अच्छा है बुरा है, उससे आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऐसे ही ब्रेन का काम है, जो भी अंदर स्टोर्ड है उसको दिखा देना. और कुछ भी दिख जाए उससे ब्रेन को कोई फर्क पड़ता है क्या? तो डर क्यों रहे हो? इसका मतलब समझे, इसकी डेप्थ देख पाए कि आंखों से कुछ भी दिख जाए आपको डरने की जरूरत नहीं, आपकी आंखें खराब नहीं होंगी. ऐसे ही ब्रेन में किसी भी तरह की कोई भी मेमोरी स्टोर हो जाए और वो मेमोरी बार बार प्ले हो जाए, उससे ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ब्रेन का काम ही यही है. अगर वो स्टोर ना हो, जो दिख रहा है आंखों से वो ब्रेन में स्टोर ना हो, इसका मतलब क्या है कि ब्रेन हमारी ठीक काम नहीं कर रही, खराब है. तो आप सब क्या चाहते हो, अपनी ब्रेन को खराब करना चाहते हो क्या? नहीं, यही तो चाहते हो आप, यही तो आपके क्वेश्चन है कि हम भूल जाए. अगर आप भूलने लग गए, समझ गए ना, इसको एक बीमारी बोलते हैं. तो व्हाट इज इलनेस एंड व्हाट इज हेल्थ? जिसको आप बीमारी समझ रहे हो वो बीमारी नहीं है, वो एक अच्छी हेल्दी ब्रेन की निशानी है. वो मेमोरीज अगर माइंड में प्ले हो रही है, ब्रेन में प्ले हो रही है, तो ये आपकी हेल्थ की निशानी है. इसका मतलब आपकी ब्रेन सही काम कर रही है, परफेक्ट काम कर रही है, नॉर्मल है. ये नॉर्मल है जिसको हम एबनॉर्मल समझ रहे हैं, और उसके लिए हम दवाइयां खा रहे हैं कि वो प्ले ना हो, वो एबनॉर्मल है. समझ में नहीं आई? दवाई खा करके अपनी ब्रेन को डल कर रहे हैं या दारू पी करके भूल जाने की कोशिश, यही तो होता है, और क्या होता है? तो दारू पी करके जो एक बेहोशी वाली स्टेट होती है वो नॉर्मल है, या बिना दारू पिए होश में जब आप हो और जो भी कुछ हो रहा है अंदर वो नॉर्मल है? वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है. लेकिन अगर इस नॉर्मल को हम एबनॉर्मल समझे तो इस गलत समझ का क्या इलाज है? लगाओ दिमाग, कौन सी गोली खाओगे जिससे ये समझ ठीक हो जाएगी? कहां जाओगे, क्या करोगे जिससे ये समझ ठीक होगी? कोई भी चीज अगर उसके बारे में आपकी समझ ठीक नहीं है, उसको गलत समझ लिया है, है कुछ और, समझ कुछ और लिया है, उसका क्या इलाज है? वहम का क्या इलाज है? जैसे यहां पर मान लो कुछ है, ये पैटर्न सा बना हुआ है, और आप में से किसी को वहां पर बड़े ध्यान से आप देख रहे हो, मेरी तरफ ध्यान नहीं है, वहां पर देख रहे हो, और आपको वहां पे छिपकली नजर आ रही है और उससे डर रहे हो, उसका क्या इलाज है? पूरी दुनिया आकर के बोलती रहे नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो है. पूरी दुनिया बेवकूफ है, संदीप महेश्वर सबसे बड़ा बेवकूफ है, इसको कुछ पता ही नहीं है. पकड़ के रखा हुआ है अपने ही बिलीव्स को कि आपको पता नहीं है मेरी सिचुएशंस क्या है. आप किसको जस्टिफाई कर रहे हो? अपनी उस छिपकली को जस्टिफाई कर रहे हो जो है ही नहीं, और खुद ही दुखी हो रहे हो. जब ये हमें समझ आ जाता है, गहराई से समझ आ जाता है, तो क्या होता है, ये बॉडी अब आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी आ गई है आपके हाथ में. अब आपको मजा आएगा खेलने में,
अब आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है कि किससे फर्क पड़ता है किससे नहीं पड़ता है, यानी कि अगर एक्चुअल में कोई आपकी बॉडी को खतरा होगा तो वहां पर आप लड़ोगे भी, एक्ट भी करोगे, बहुत कुछ करोगे, ये नहीं कि भोंदू की तरह बैठे रहोगे। इफ देर इज अ डेंजर टू योर बॉडी बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, देयर यू विल टेक द एक्शन व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट जब आपको समझ आ रहा है मेरी ब्रेन में कुछ मेमोरीज प्ले हो रही है, उसमें से कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, वहां पर किसी एक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रेन अपना काम ठीक कर रही है। अब ब्रेन में मेमोरीज प्ले होना बंद हो गई, अब मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। अभी ब्रेन कैसी हो गई आपके लिए? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी। लोग कैसे जी रहे हैं? बड़े ही कन्फाइंड होकर के जी रहे हैं। जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी रेंज ये है, लोएस्ट नोट एंड हाइएस्ट नोट। अच्छा म्यूजिशियन आप किसको कहोगे जो पूरी रेंज को मास्टर कर ले या बस इतनी सी रेंज में प्ले करता रहे, यही दो कीज उसको पता है, बाकी कीज से उसको डर लगता है, हाई से भी डर लगता है, लो से भी डर लगता है। तो अगर ये ब्रेन उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी है, तो अब इसमें जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसकी वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी में सेंसेशंस ही तो होती हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में कैपेसिटी है, वो झेल जाएगी। आपको लगता है कि मैं सह नहीं पाऊंगा, सब सह जाते हैं। जैसे एक कपल होता है, साथ में रह रहे होते हैं, वो कहता है कि या कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, उसके बाद में दोनों में से एक गया, दूसरा मरता ही नहीं है। घर वाले वेट कर रहे हैं, कहेंगे जी आपने कहा था कि भाई मैं जी नहीं सकता, तो अब 2 साल हो गए, 5 साल चलो ठीक है, 8-10 साल, 15 साल, 20 साल, अब तो छोड़ो। इसे क्या समझ आ रहा है? कैपेसिटी आ जाती है। आ भी नहीं जाती है, वो कैपेबिलिटी है, कहीं से आ थोड़ी रही है, होती है। तो वैसे ही कहानियां बना रहे होते हैं कि मैं झेल नहीं सकता हूं, मैं झेल नहीं सकती हूं। अरे आप कितना झेल सकते हो, उसकी कोई हद ही नहीं है। देख लो दुनिया में जाकर के लोग क्या क्या झेल रहे हैं, एट अ फिजिकल लेवल, एट अ मेंटल लेवल। हम खुद ही अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसकी वजह से खुद ही दुखी हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है टूट जाने में और दोबारा से खड़े होने में, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों को भी ध्यान से देखना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हॉरर मूवीज में बड़ा मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब डर जाते हैं तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और फिर जैसे ही वो डर निकल जाता है वो एक्सपैंड हो जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सपेंशन में बड़ा मजा आता है। सारे जो भी आपके प्लेजर्स हैं वो अगर उसको ध्यान से एनालाइज करोगे, वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ही है और कुछ नहीं है। एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, फिर एकदम से रिलीज हो जाती है, उसमें बड़ा मजा आता है, पूरी बॉडी में सेंसेशन होती है। तो ऐसे ही हमको बड़ा मजा आता है पहले अपने आप को ये शो करने में कि मैं टूट गया हूं, उसके बाद में मेरी वीडियो सुनते हो कहते हो मैं स्ट्रांग हो गया हूं। खेल है, नौटंकियां चल रही है और कुछ नहीं है। इन नौटंकियों को वो समझ सकता है जो खुद को समझ चुका है अच्छे से। मुझे भी बड़ा मजा आता है कभी कभी नौटंकी करने में, यार मूड खराब है, बड़ा मजा आता है, आपको पता नहीं है ये। और फिर जितना खराब होता है उतना ही अच्छा भी हो जाता है। जैसे जितनी प्यास लगेगी उतना ही पानी में मजा आएगा, प्यास ही ना हो तो पानी में मजा आता है क्या? नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, खुद ही इमेजिन करके अपने आप को गिरा देते हैं नीचे कि अब लाइफ बेकार हो गई है, लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है। फिर एकदम से कुछ करते हैं, चल अब लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है, चल गोवा का प्लान बनाते हैं। और गोवा जाकर के पागल ही हो जाते हैं, समझ गए ना? गोवा जाकर के आप कब पागल हो पाओगे, जब दिल्ली में आप सफोकेट हुए पड़े थे। आई बात समझ में नहीं आई? जो दिल्ली में गोवा की तरह जी रहा था उसको गोवा जाके क्या मजा आएगा, उसके लिए तो दिल्ली और गोवा बराबर है। जिसकी जिंदगी में जितना ज्यादा दुख होता है उसको उतना ही ज्यादा सुख भी होता है उसी प्रोपोर्शन में। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कन्फाइंड करते चले जा रहे हैं कि हमें दुख ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पकड़ पा रहे हो, देख पा रहे हो इसकी इंटेंसिटी? सुख भी नहीं होगा, लाइफ बोरिंग हो जाएगी, इसको बोरिंग लाइफ बोलते हैं। इन्हीं को मैं खच्चर बोलता हूं प्यार से। क्योंकि वर्ड सुनते एकदम लगता है कि कोई हमको हमारे असली नाम से बुला रहा है, कोई तो है जो हमें समझा। तो अगर आप कहते हो कि मुझे दुख ना हो, यानी मेरी लाइफ में कोई ऐसी मेमोरीज ना हो जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हो जाऊं, तो आप किसको छोड़ रहे हो? आप उसी प्रोपोर्शन में जो सुख हो सकता है उसको भी छोड़ दिया आपने। अब वो लाइफ कैसी हो गई? एक पत्थर के जैसी, पत्थर दिल। जब मैं बात करता हूं ना अटैचमेंट की, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, है ना खच्चर?
वो ये समझते हैं कि हमें तो किसी के साथ में अटैच ही नहीं होना है. अरे नहीं, जुड़ जाओ तो पूरी तरह से जुड़ जाओ. और जब पूरी तरह से जुड़ोगे तो क्या होगा, वहां पर दुख भी पूरा होगा, सुख भी पूरा होगा. इसको बोलते हैं एक ऐसा दिल जो पत्थर के जैसा नहीं है. रोना आएगा तो पूरा फूट फूट के आएगा, खुशी आएगी तो पूरी आएगी. नाउ यू आर ओपन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. हम कह रहे हो देखता हूं कितनी बुरी मेमोरी आ सकती है, आने दो. आप खुद क्रिएट नहीं कर रहे हो. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर के अपने पति को खच्चर मारा, बहुत ही बुरी मेमोरी है और जेल में जाकर के अपना टॉर्चर करवाया 20 साल तक, फिर बाहर आकर के कह रहे हो हाँ मैंने जी लिया जो आपने कहा, 20 साल बाद जेल से बाहर आकर के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. ये नहीं, अपने आप आएगी, आनी है, इसी को लाइफ बोलते हैं. अपने आप ही फेलियर्स आएंगे, अपने आप ही प्रॉब्लम्स आएंगे, अपने आप ही बहुत कुछ होगा. आप उसको चाह नहीं रहे हो बट होना ही है सबके साथ में. तो अब आप ओपन हो गए, देखता हूं क्या होता है इधर भी और देखता हूं उधर भी क्या होता है. यानी अच्छी से अच्छी मेमोरी, अच्छी से अच्छी फीलिंग, अच्छी से अच्छी इमोशन. क्या होता है वहां पर भी डर रहे होते हैं, डर लग रहा होता है. होता है नहीं होता है? किसी से जुड़ने में भी डर लगता है. अलग हो गए तो पता नहीं क्या होगा. क्या होगा? दुख होगा. जितना दुख होगा वहां पे उतना सुख भी होगा. तो जब जुड़ोगे तो पूरी तरह से जुड़ जाओगे. खेलो इस ब्रेन के साथ में, देखो इसकी पॉसिबिलिटीज. देन यू विल गेट टू नो के इस ब्रेन को जितना आप समझते हो ना, उससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है. आपको इस ब्रेन में जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, जैसी भी फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे भी इमोशंस आ रहे हैं, आने दो. और अब आप खेल खेल में क्या कहोगे, मुझे स्टॉपवॉच आपने ऑन करी अपने मोबाइल में और कहा कि अगले 10 मिनट तक ये जो मेरी सबसे बुरी मेमोरी है जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रही हूं या डर रहा हूं, इसको बनाए रखना है 10 मिनट तक. करो कोशिश. उल्टा होगा सर. आई बात पकड़ में? तो तब आपको पता लगेगा कि मैं कितनी बड़ी झूठी हूं, मैं कितना बड़ा मक्कार हूं. मैं बोलता हूं कि वो मेमोरीज जाती नहीं है, जबकि सच क्या है कि वो मेमोरीज टिकती नहीं. नहीं आती तो है, टिकती नहीं है. आती है लेकिन उसको जाने से मैं रोक नहीं सकता हूं. दिस इज द रियलिटी. रोक के दिखा दो किसी भी मेमोरी को, 10 मिनट तक वो मेमोरी हिलनी नहीं चाहिए आपकी ब्रेन में से, पड़ी रहनी चाहिए, नहीं रह सकती. जैसे ये खेल खेलोगे आप देखोगे वो मेमोरी छूट रही है. अब आप उसको पकड़ोगे, नहीं नहीं जानी चाहिए, लेकिन वो छूटेगी. और एक बार इस तरीके से छूट गई आपकी वो मेमोरी जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो, तो आपके अंदर से जो भी आज की डेट में सबसे बड़ा डर है वो निकल गया हमेशा हमेशा के लिए.